तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईटीसी के शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के बारे में, क्योंकि जिस दिन भी आईटीसी में 1 या 2% का अपसाइड मूव आता है उस दिन जितने भी ट्रेडर्स आईटीसी में ट्रेड करते हैं उनकी एक एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है कि आईटीसी में अब यहां से कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना आपके लिए आईटीसी का चार्ट एनालाइज किया जाए और उसमें आपको यह बताया जाए कि आईटीसी में जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, अगर आईटीसी उसके पास आता है तो आपको उसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए कि आपको अपना स्टॉक होल्ड करना चाहिए। इसी चीज को समझने के लिए हमें चार्ट्स पे यह समझना बहुत जरूरी था कि एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस कहां पे प्लेस है और ये रेजिस्टेंस आपको कैसे ट्रेड करने हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स पे और समझने की कोशिश करते हैं बहुत डिटेल में कि जो ट्रेडर्स हैं उनको आईटीसी में आने वाले टाइम में क्या करना है। So, दोस्तों पहला चार्ट जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं वो है आईटीसी का ईयरली टाइम फ्रेम चार्ट। लेकिन ईयरली टाइम फ्रेम चार्ट जैसा कि आप सब लोग जानते हैं एक इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव के लिए होता है, लेकिन यहां पे आपको आपकी ट्रेडिंग में ये बहुत हेल्प करने वाला है। वो क्यों, चलिए समझते हैं। आईटीसी में अगर आपने देखा होगा तो ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं गाइज, ये ग्रीन कैंडल आपका 2017 की कैंडल थी, उसके बाद ये 2018, 2019 एंड दिस कैंडल इज ऑफ 2020, करेक्ट। तो आपने देखा होगा अगर हर एक कैंडल में अगर आपने प्रीवियस हाई देखा होगा तो प्रीवियस हाई ब्रीच नहीं हो रहे हैं और यही इस साल भी देखने के लिए मिल रहा है। वो कैसे, क्योंकि पिछले साल में जो कैंडल का हाई था वो था 233-234 लेवल्स पे, जो कि इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूं प्रीवियस ईयर, और इस ईयर का अभी तक का हाई है 227। तो गाइस अब एक छोटा सा अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किसी भी स्टॉक का हाई ब्रीच नहीं हो रहा है और लास्ट ईयर का हाई अगर उसी स्टॉक पे 233 है, और हमें इसी पर्सपेक्टिव से इसी छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से मालूम चल जाएगा कि आईटीसी में इस साल के लिए 233 कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, और इसी वजह से लास्ट टाइम हमने आईटीसी के स्टॉक पे 227 से करेक्शन देखने के लिए मिला था। तो ये हो गया एक रेजिस्टेंस के बारे में बात, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सबको नोट करना पड़ेगा। इस ईयर को खत्म होने में 5 मंथ्स बाकी हैं, 5 मंथ्स में इस कैंडल को जो ब्रीच करना है अगर आईटीसी को अपना जो पुराना एक हैबिट है जो प्रीवियस ईयर्स के हाईज नहीं ब्रीच कर रहा है वो हाई तोड़ने के लिए हमें 233 को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब हो गया कि 233 हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है जो कि आप सारे ट्रेडर्स को अपने पास कहीं ना कहीं नोट करके रखना है। तो चलिए चलते हैं सेकंड टाइम फ्रेम ऑफ चार्ट पे, वहां पे समझते हैं कि इसके अलावा और कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। नाउ द सेकंड चार्ट इज क्वार्टरली चार्ट गाइस, क्योंकि क्वार्टरली चार्ट में मैं आपको वही रेजिस्टेंस को कंफर्म करने वाला हूं जो भी हमने ईयरली टाइम फ्रेम चार्ट पे देखा था। तो क्वार्टरली चार्ट में अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा गाइस, ये जो क्वार्टरली चार्ट का रेजिस्टेंस है ना, ये एक रेजिस्टेंस जोन बन जाता है फ्रॉम द ईयर 2014, क्योंकि अगर आप ये देख रहे हैं ये पहले एक रेजिस्टेंस जोन था जो कि काफी साल इस स्टॉक ने क्रॉस नहीं किया, उसके बाद यही एक सपोर्ट जोन रहा जो कि 2 साल फिर इस स्टॉक ने क्रॉस नहीं करा, एंड अगेन नाउ अब ये एक सेम रेजिस्टेंस जोन बन गया है, राइट। सो अगर आप ये रेजिस्टेंस जोन देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस जोन वही है जो कि अभी अभी हमने ईयरली चार्ट्स पे देखा था। तो 227-230 जोन एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है आईटीसी के लिए। जब तक आईटीसी ये रेजिस्टेंस जोन क्रॉस नहीं करेगा उसके बाद 233 जो हमने ईयरली चार्ट्स पे देखा था वो भी अगर क्रॉस नहीं हुए, तब तक आईटीसी में किसी भी ट्रेडर को शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश होना दैट मींस अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। सो आई होप यू गॉट माय पॉइंट। क्वार्टरली चार्ट्स पे रेजिस्टेंस, ईयरली चार्ट्स पे ईयर ऑन ईयर बेसिस का कैंडल का जो हाई है वो ब्रीच नहीं होना इंडिकेट करता है कि 225-230 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। सो आई होप आई एम क्लियर गाइस। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे और देखते हैं वहां पर हमें क्या देखने के लिए मिलने वाला है। सो दोस्तों जो भी हमने अपना रेजिस्टेंस चेक किया क्वार्टरली और ईयरली चार्ट पे, अगर मैं उस रेजिस्टेंस को आपको डेली चार्ट पे भी कंफर्म कर दूं तो शायद आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें क्लियरिटी बहुत आ जाएगी। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट में जो ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ये रेजिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि हर बार हम लोग देखते हैं प्राइसेस यहीं से आ रहे हैं एंड देन यू नो इसी के आसपास प्राइसेस में हमें एक करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। दैट मींस डेली के चार्ट पे भी 220-225 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जो कि अभी हमने ईयरली पे भी कंफर्म किया था, क्वार्टरली पे भी कंफर्म किया था और डेली पे भी कंफर्मेशन आ रही है।
तो गाइस ध्यान रखिएगा, अगर आईटीसी में 2% की एक सिंपल अपसाइड मूव से आपको एक्सपेक्टेशन जग रही है, तो जब तक आईटीसी 225-230 जोन क्रॉस नहीं करता, तब तक आपके लिए एक मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में बुलिश होना मतलब हमारी तरफ से बिग नो है, करेक्ट। तो चलिए चलते हैं, ये हमने सारे रेजिस्टेंसेस की बात करी, अब चलते हैं और बात करते हैं सपोर्ट लेवल्स की, कि आईटीसी में क्या सपोर्ट लेवल्स भी उतने ही स्ट्रांग है जितने रेजिस्टेंसेस। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि ये एक फाइट है बिटवीन दी बुल एंड बियर्स, जिसको जीत पाना या जिसके लिए शॉर्ट टर्म में आगे निकल पाना, ये देखने वाली बात होगी आपके और मेरे लिए। सो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि आईटीसी में 220-230 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, लेकिन उसके साथ हमें यह भी देखना बहुत जरूरी है कि आईटीसी में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स कहां पर हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहला चार्ट जो आपके सामने लिया है वो है क्वार्टरली का हेगेनाशी चार्ट, और अगर आप देखेंगे तो लास्ट 4 quarters से ये हेगेनाशी चार्ट्स में हमें लोज ब्रीच होते हुए नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके लिए लास्ट जो लो था वो था करीबन 195-196 के लेवल्स पे। जब तक ये 195-196 लेवल्स नहीं ब्रीच होता है, तब तक यार आईटीसी का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। ये हो गया पहला पर्सपेक्टिव जो आपको मेरे को ध्यान देना है। इसके अलावा आईटीसी में एक और पर्सपेक्टिव है जिसको अभी हम देख लेते हैं, ताकि ये जो लोज हैं हमें कंफर्मेशन दे सके कि हमें इन लोज पे कितना स्टिक रहना है। सो फर्स्ट लो इज 196, नाउ द सेकेंड लो इज, सो नेक्स्ट सपोर्ट को समझने के लिए हम ले रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये जो चैनल है गाइस, ये चैनल बहुत ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंसेज हैं, ये रेजिस्टेंसेज हमें सही दिख रहे हैं, ये सपोर्ट बिल्कुल रिस्पेक्ट हो रहे हैं, और इसके अलावा ये जितने भी सपोर्ट्स हैं, चाहे यहां पर हो, ये हो, यहां पर हो, ये पूरा एक जोन है जो कि सपोर्ट जोन दिख रहा है। और आपको यही चीज समझनी है कि ये जो तक सपोर्ट जोन वैलिड है, मतलब जब तक ये 210 के नीचे नहीं जाता है शॉर्ट टर्म में, तब तक हम ये चीज जरूर बोल सकते हैं कि हमें नीचे के सपोर्ट जोन्स के लिए कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो एक हमें मीडियम टर्म सपोर्ट मिला 196, जो कि हमने क्वार्टरली पे देखा। एक हमें वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे मिला, वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे मिला, जो कि एक चैनल के थ्रू था। ये चैनल आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि जब तक 210 होल्ड है, तब तक ये स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव 210 के सपोर्ट को लेके चलना चाहिए। लेकिन इसके अलावा गाइस एक और सपोर्ट है जिसकी हम बात अभी आपको दिखाने, जिसकी हम बात अभी करने वाले हैं, और वो है डेली टाइम फ्रेम चार्ट का लीनियर चार्ट, जो कि आपको एक और चैनल दे रहा है। और ये चैनल आपको क्या दिखा रहा है गाइस, कि यहां पे जो प्राइसेस हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं एक चैनल के अंदर, जिसके ये सपोर्ट्स बहुत वैलिड दिख रहे हैं, और यही सपोर्ट आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि ये जो सपोर्ट है वो है 210 से लेके 205। तो गाइस आईटीसी में अभी तक जो चीज हमने देखी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, वो ये है कि 210-205 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है फॉर दी शॉर्ट टर्म। लेकिन अगर मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव लेंगे तो 196 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, आपको 196 माइंड में रखना है। लेकिन अगर आप आईटीसी में बुलिश है शॉर्ट टर्म के लिए, तो आपको माइंड में ये रखना है कि जब तक ये स्टॉक 225 से 230 लेवल्स क्रॉस नहीं कर जाता, तब तक तो, लेकिन अगर आप इसमें थोड़े बहुत भी बुलिश है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब तक ये स्टॉक 230-233 लेवल नहीं क्रॉस करेगा, तब तक आपको शायद इस स्टॉक में अपसाइड मूव बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखने के लिए नहीं मिलेगी, राइट। तो आपको करना क्या है, अभी चल रहा है 213, आपको अभी बाय साइड पे ही रहना है, और बाय साइड तब तक कंटिन्यू करनी है जब तक ये 220-225 नहीं क्रॉस हो जाता। एक बार अगर 225 आता है तो वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करिए और वेट करिए पेशेंटली, क्योंकि अगर एक बार ये 233 क्रॉस हो गया तो उसके बाद शायद ये सीधा 257-260 के जोन में आके रुकेगा। सो आई होप गाइज ये छोटा सा वीडियो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बनाया हुआ वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, और आप आईटीसी में एक क्लियर एंड साउंड डिसीजन ले पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो गाइज प्लीज डू कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स एंड डू लेट अस नो। लेकिन उसके साथ साथ प्लीज सब्सक्राइब करिए, और हमारे जो चैनल है उसको दूसरों तक रीच करने में हमारी हेल्प करिए। Thank you guys.